So hello, good afternoon everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. हम लोगों ने अभी तक पांच चैप्टर खत्म कर रखे हैं अपने इकोनॉमिक्स के पोर्शन के, दैट टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के. हमने पांच चैप्टर खत्म कर दिए जिसमें से डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई एंड इलास्टिसिटी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है. आप चाहें तो एक एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहां तक के सारे चैप्टर्स के नोट्स मैंने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर रखे हैं. जाओ डाउनलोड करो और पूरा मजा उठा सकते हो उस बात का. अब आगे बात करने जा रहे हैं. हर दिन हम आपको एक वीडियो लेकर आ रहे हैं शाम के 7 बजे, जिसमें एक दिन अकाउंटेंसी और एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं. पहले मैं ये रोज रोज कर रहा था, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर एक एक चैप्टर लेकर आओ, एक एक दिन में एक एक वीडियो लेकर आओ, तो थोड़ा सा आसान पड़ता है उनको, तो उनको फॉलो करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं. मार्केट मैकेनिज्म का चैप्टर है, काफी बेहतरीन चैप्टर है. अकेले ही यहां से तुमको एक 5 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर. इस पूरे पूरे टॉपिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक एक करके तीनों पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से चीजों को समझ में आना शुरू हो जाए. ठीक है, तो मार्केट मैकेनिज्म में जो सबसे पहली चीज पढ़नी है वो पढ़ना है हमको इक्विलिब्रियम क्या होता है. तो मेरे साथ साथ तुम सभी लोग जरा एक डायग्राम बनाओगे, सभी के सभी बच्चे मेरे साथ साथ एक डायग्राम बनाएं, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस मेरे साथ साथ बनाओ. साथ में मैं इसके साथ आपको एक शेड्यूल भी बनाकर दिखाऊंगा. ठीक है ना, यहां पर है डिमांड, यहां पर है बेटा सप्लाई, जहां कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम. जिस प्राइस पे कट करते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, जिस क्वांटिटी पे कट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब तुमसे किसी भी नुक्कड़ पर, किसी भी दुकान में या कभी स्कूल में ये पूछ लिया जाए कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, तो तुम आराम से बता दोगे वो प्राइस जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है. और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है. तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया साहब, ये वाला पोर्शन हो गया एक्सेस सप्लाई मेरे साथ साथ बनाओ, और ये वाला पोर्शन हो गया एक्सेस डिमांड. ठीक है, एक्सेस सप्लाई भी समझ में आ गया, एक्सेस डिमांड भी समझ में आ गया. तो चलो भाई इसको मार्क भी कर देते हैं, ये ए, ये बी, और इस प्राइस को P1 ले लेते हैं, और ये इसको के एल, और इस पॉइंट को P2 ले लेते हैं. ठीक है, सबको समझ में आ गया है इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं, जहां पर डिमांड सप्लाई कट करता है. इक्विलिब्रियम प्राइस किसको बोलते हैं, जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई कट करता है. और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिस क्वांटिटी पर डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं. अब इसी बात को जरा मैं एक शेड्यूल के थ्रू बताने जा रहा हूं, और जरा जरा तुम मेरे साथ वो शेड्यूल भी लिख लो. यहां पर है प्राइस, चलो चलो लिखते हैं प्राइस. यहां पर है क्वांटिटी डिमांड, फिर है बेटा क्वांटिटी सप्लाइड, फिर हमको सिखाना है मार्केट पोजीशन और इफेक्ट ऑन प्राइस. ठीक है ना, दूसरा है मार्केट पोजीशन, और लास्ट है इफेक्ट ऑन प्राइस. इफेक्ट ऑन प्राइस, ठीक है ना. तो चलो पहले प्राइस लिखते हैं 1900. मेरे साथ साथ आप सभी लोग लिखते चलो बॉस, 800 700 600 800 700 और 600. अच्छा प्रातः समय बता देता हूं मैं कि मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूं उस बुक का नाम है फ्रैंक, जो मैक्सिमम स्कूल्स में फॉलो की जाती है. फिर हम क्वांटिटी लिखते हैं 30 40 45, चलो चलो लिखते हैं 30 40 45 55 70 55 और 70. फटाफट से मेरे साथ साथ लिख लो, मेरे साथ साथ लिख लो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल के पढ़ते चलेंगे, पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे भाई. यहां लिख रहे हैं सिमिलरली क्वांटिटी सप्लाइड है 56, देन 50 45 35 और 20. आओ चलो समझते हैं इक्विलिब्रियम कहां पर है. इक्विलिब्रियम वहां पर है जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होगी. इस वाले पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो लिख दो यहां पर इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के समय प्राइस में नो चेंज होता है. अब इसके ऊपर की सिचुएशन और इसके नीचे की सिचुएशन समझते हैं. यहां पर डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, तो यहां पर क्या हो गया एक्सेस सप्लाई. सिमिलरली डिमांड कम सप्लाई ज्यादा क्या हो जाएगा,
एक्सेस सप्लाई, नीचे आओ, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, एक्सेस डिमांड। अब तुम एक बात समझो, जब भी मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी, मतलब दुकानों में सामान आइडल पड़ा हुआ है, लोग बेच नहीं रहे हैं, मतलब लोग खरीद नहीं रहे हैं, उस केसेस में प्राइस को हमेशा प्रोड्यूसर कम करता है, प्राइस कम करो जैसे तैसे सामान बेचकर अलग हो जाओ। सिमिलरली जब कभी डिमांड बहुत ज्यादा होती है उस केस में प्रोड्यूसर अपने प्राइसेस को बढ़ाता है सो दैट इस समय पर वो फायदा उठा सके। तो तुम्हें समझ में आ रही है सारी बात कि प्राइस क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई में मार्केट पोजीशन कैसे निकाली मैंने और इस मार्केट पोजीशन का इफेक्ट ऑन प्राइस क्या होगा, ये अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। तो चलो बॉस, अब यहां से कुल मिला के हमारा मेन चैप्टर शुरू होने जा रहा है। चलो वो क्या है, हेडिंग डालो मेरे साथ, इफेक्ट ऑफ चेंजेस, इफेक्ट ऑफ चेंजेस, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, इन डिमांड एंड सप्लाई, इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। बहुत बढ़िया पॉइंट है और ये टॉपिक काफी मजेदार है, इसके अंदर 18 केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। कोशिश करूंगा आज 4 या 5 या 10 केसेस मैं कंप्लीट करा दूं ताकि तुम्हारा कुछ हद तक तो भला हो जाए, ठीक है। तो चलो ये टॉपिक तुम बुक से मत पढ़ो, ये टॉपिक जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ोगे, ज्यादा मजे में रहने वाले हो और एग्जैक्टली सारी चीजें कवर करेंगे ना जो किताब में है। तो सबसे पहले मैं आपको ये 18 केसेस लिखवा के दिखा रहा हूं, ये 18 केसेस हैं क्या। अगर हमें यह पता चल जाए कि ये 18 केसेस क्या हैं, फिर हम इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, फिर हम इसका कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, फिर हमारे लिए चीजें आसान होती जाएंगी। तो चलो भाई शुरू करते हैं, ऐसी क्या बात है। सबसे पहला केस कि इंक्रीज इन डिमांड, बोल रहा है सप्लाई इज कॉन्स्टेंट, सप्लाई इज कॉन्स्टेंट एंड डिमांड इंक्रीजेस। सेकेंड, सप्लाई इज कॉन्स्टेंट एंड डिमांड डिक्रीजेस, ये दो केसेस हो गए ना बेटा। थर्ड केस लिखो मेरे साथ, डिमांड इज कॉन्स्टेंट, डिमांड इज कॉन्स्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस। फोर्थ केस क्या हो जाएगा, डिमांड इज कॉन्स्टेंट एंड सप्लाई डिक्रीजेस। ये चार केसेस हैं जो हमें सबसे पहले शुरू करना है। तो पहले ये चार केसेस कर लेते हैं, फिर अगले चार केसेस लिखते हैं, ये वाले पेज पर आ जाएंगे लिखने के लिए। तो चलो बॉस, पहला केस बनाने जा रहा हूं, जब भी इक्विलिब्रियम की बात होगी तो एक्स ओरिजिन और वाई एक्सिस यहां लिखा, हमने बनाया डिमांड, हमने बनाई सप्लाई और अब करना शुरू करेंगे क्वेश्चन। ये इक्विलिब्रियम था, ये प्राइस था और ये क्वांटिटी। अब पहला केस क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो, पहला केस बोल रहा है सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सप्लाई इज कॉन्स्टेंट। हो क्या रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। और तुम सभी बच्चों को मैंने सिखाया है कि कोई भी कर्व इंक्रीज किधर होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये देखो, ये मैंने डिमांड कर्व को राइट शिफ्ट कर दिया, मतलब डिमांड मेरी इंक्रीज हो गई। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि डिमांड और सप्लाई का नया इक्विलिब्रियम आ गया ई डैश, नया प्राइस आ गया पी डैश और नई क्वांटिटी आ गई क्यू डैश। समझ में आ रही है सभी लोगों को बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। डिमांड इंक्रीज अगर राइट साइड हो रही है तो डिमांड डिक्रीज किधर होगी, लेफ्ट साइड। तो तुमको अगला केस खुद बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना है, मैं देखूं तो तुम कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। साथ में इसका कंक्लूजन लिखना आना चाहिए, कंक्लूजन क्या कह रहा है आओ जरा देखो। कंक्लूजन बोलता है पहला, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, शिफ्ट्स अपवर्ड राइट। कहां इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड और किस तरफ, राइट साइड की तरफ। दूसरा कंक्लूजन क्या लिख रहे हैं बेटा, प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम पी टू पी डैश, प्राइस बढ़ रहा है पी से पी डैश की तरफ। सिमिलरली थर्ड पॉइंट क्या निकल के आएगा, क्वांटिटी
increases from Q to Q dash, क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है Q से Q डैश की तरफ. मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, साथ में ये कंक्लूजन जरूर लिखना है, बिकॉज विदाउट राइटिंग दिस कंक्लूजन आपकी तैयारी हो ही नहीं रही है. साहब समझ में आ रही है बात कि नहीं, क्लियर हो, बढ़ा जाए आगे. सर क्या पढ़ाते पढ़ाते कॉफी क्यों पीते रहते हैं यार, YouTube वीडियो है, थोड़ा उसका क्लास होना चाहिए भाई, बहुत काम कर रहे हैं, दिन भर लगे पड़े हैं, सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो यार. और ये वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ मंडे को करीब 3 बजे के आसपास, जो तुम लोगों को 7 बजे के आसपास मिल रहा होगा आफ्टर एडिट्स एंड ऑल, तो थोड़ा सा यार बर्दाश्त करो. तुम बस एक काम तो कर नहीं रहे हो, अपने दोस्तों तक ये वीडियो तो शेयर कर नहीं रहे हो, कंप्लेन अलग कर रहे हो यार, गलत बात है यार. ठीक है चलो बॉस, अगला केस तुम्हारे लिए ये वाला केस हो जाता है होमवर्क, बिकॉज सिंपल है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर, तुम्हें बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना है. अब आते हैं हम लोग केस नंबर 3 के ऊपर. केस 3 हम प्लॉट कर रहे हैं और उस केस में क्या बोल रहा है, इस बार डिमांड कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी, ये है डिमांड, ठीक है ना. सिमिलरली ये है सप्लाई, ये है इक्विलिब्रियम, देन वी हैव प्राइस, देन वी हैव क्वांटिटी. ठीक है, अब बोल क्या रहा है, थर्ड केस देखो बेटा क्या कह रहा है. थर्ड केस कह रहा है डिमांड इज कॉन्स्टेंट, मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. इस बार चेंज किस में आ रहा है, चेंज आ रहा है इस बार सप्लाई में, और सप्लाई इंक्रीज हो रही है. सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी, कोई भी कर्व इंक्रीज अपनी राइट साइड पर होता है, एस डैश नया इक्विलिब्रियम, ई डैश प्राइस घट के कितना हो गया पी डैश, और क्वांटिटी बढ़ गई क्यू डैश पर आ गई. अब इसका कंक्लूजन नहीं लिख पाओगे क्या, कंक्लूजन लिखा जाए. चलो भैया सबसे पहला इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड राइट, किधर शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड, वो भी राइट साइड पर. दूसरा क्या हो जाएगा, प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश, वेयर एज थर्ड क्या आ जाएगा, क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश, क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस फॉल हो रहा है, और इक्विलिब्रियम राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, वो भी डाउनवर्ड. क्लियर है, सबको समझ में आ रही है बात यहां तक. तो थर्ड केस मैंने कराया, फोर्थ केस कर सकते हो अपने आप. फोर्थ केस में है क्या, फोर्थ केस में बोल रहा है कि सप्लाई डिक्रीजेस, तो सप्लाई डिक्रीज किधर होगी, उसके लेफ्ट साइड पर. तब क्या इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आएगा, प्राइस में क्या शिफ्ट आएगा, क्वांटिटी में क्या शिफ्ट आएगा, तुम डायग्राम बनाओ और इंस्टा पे मुझे टैग करो, शुभम जगदीश पे, आपको पता ही होगा होपफुली. खैर आगे बढ़ते हैं. अब हमने 4 केसेस सॉल्व कर लिए, जिसमें से 2 मैंने कराए और 2 तुमको दे दिए. अब आते हैं हम लोग अगले केस के ऊपर, जो कि है हमारा केस नंबर 5. कितने हैं सर केस, दिमाग खराब हुआ जा रहा, कितने केस कराएंगे, 18 केस है मेरी जान, इसीलिए तो बोला है कि 3 वीडियो लगेंगे. ठीक है ना, आज के वीडियो में कुछ केसेस होंगे, अगले वीडियो में कुछ केसेस होंगे, उसके अगले वीडियो में 2 केसेस हैं, वो हमको खत्म कराने हैं. ठीक है, तो चलो अगला है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब जितना डिमांड बढ़ रहा है उतनी ही सप्लाई बढ़ रही है. 6 केस, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, दैट मींस डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है मेरी जान और सप्लाई कम से बढ़ रही है. 7th केस क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड कम बढ़ रही है और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है. ये 3 केस, इसके 3 ऑपोजिट केस भी हैं, वो तुम्हारे लिए होमवर्क हैं. वो क्या है, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई. 9th केस है, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई. 10th केस है, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई. अब मैं आपको ये 3 केस अगर सॉल्व करवा दूं तो तुम्हारे लिए बच्चा हो जाएगा, ये 3 टॉप 3, ये आसान से तुम कर ले जाओगे, है ना कि नहीं. तो चलो आज की क्लास इन्हीं 3 डायग्राम पर खत्म करूंगा भैया, ठीक, तभी तो आएगा मजा अगली क्लास में. चलो भाई 5th केस करने जा रहे हैं, जिसमें बोल रहा है इंक्रीज इन डिमांड
इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सप्लाई. दैट मीन्स यहां पर साइमल्टेनियस शिफ्ट लग रहा है. साइमल्टेनियस शिफ्ट का मतलब क्या होता है? डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है. कैसे बढ़ेगी डिमांड और सप्लाई? आओ जरा देखो, ये है डिमांड, ठीक है ना, ये है सप्लाई, ये है बाबू इक्विलिब्रियम, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी. अब मैंने क्या बोला, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ा देते हैं, ये हो गया डिमांड. और जितना डिमांड बढ़ रही है उतनी ही सप्लाई भी बढ़ रही है. जितना डिमांड बढ़ रहा उतनी ही सप्लाई भी बढ़ रही है. इससे हुआ क्या, इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट हो जाएगा. इसका इंपैक्ट क्या हुआ, कंक्लूजन लिखते समय ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्या हुआ पहला कंक्लूजन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड, ना डाउनवर्ड ना अपवर्ड, सीधा सीधा राइट साइड शिफ्ट हो गया. दूसरा क्या हो गया, प्राइस इज कॉन्स्टेंट, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया और क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश. क्वांटिटी बढ़ के क्यू से क्यू डैश पर आ गई है. समझ में आ रही है बात, एकदम क्लियर है कि नहीं? समझ में आया, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई कैसे बनेगा. अब तुम्हें इसी का ऑपोजिट करके दिखाना है, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई. याद रखना, इंस्टाग्राम पर टैग करना तुमको, ठीक भाई. चलो अगले आते हैं और सिक्स केस पर. सिक्स केस क्या कह रहा है, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई. दैट मीन्स वॉट, डिमांड ज्यादा बढ़ रही सप्लाई कम बढ़ रही है, ठीक है. आओ ऐसी भी क्या बात आ गई, बना के देखते हैं. एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई यहां प्राइस, यहां क्वांटिटी, ठीक है ना भैया. ये है हमारा डिमांड, ये है हमारी सप्लाई, ये है बाबू इक्विलिब्रियम, ये प्राइस और ये क्वांटिटी. अब हमसे बोल रहा है कि डिमांड ज्यादा बढ़ गई. मैंने कहा ठीक है, ये लो भाई डिमांड ज्यादा हो गई. और कह रहा सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी. मैंने कहा ये भी ठीक है, ये लो देखो डिमांड इतनी और सप्लाई इतनी. इससे क्या हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम आ गया ई डैश, नया प्राइस आ गया पी डैश और नई क्वांटिटी आ गई क्यू डैश. तो इसका अब तुम सब लोग कंक्लूजन लिख पाओगे कि नहीं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड राइट, प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश एंड क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश. तुम्हें लिखना पड़ेगा कंक्लूजन. समझ में आ रही है कि नहीं बात, क्लियर है? ऑल सॉर्टेड टिल हियर? केस नंबर सिक्स समझ में आ गया? आओ भैया केस नंबर सेवन पर आते हैं. केस नंबर सेवन क्या था, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई. दैट मींस व्हाट, डिमांड कम इंक्रीज हो रही है और सप्लाई ज्यादा से बढ़ रही है. कैसे बनाएंगे ये डायग्राम, आओ देखो. और कंक्लूजन भी कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं. एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी, ये है मेरी जान डिमांड, ये है सप्लाई, ये है इक्विलिब्रियम, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी. अब मैंने बोला डिमांड थोड़े से इंक्रीज हुई, मैंने कहा लो भैया थोड़े से इंक्रीज कर दिया, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, ये भी ठीक है. देखो सप्लाई इतनी बढ़ रही, डिमांड इतनी बढ़ रही, तो नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया ई डैश, नया प्राइस पी डैश और नई क्वांटिटी क्यू डैश. तो इसका कंक्लूजन लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम फॉल्स डाउनवर्ड राइट, प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश, क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश. इतना करने के बाद तुम्हारे लिए आज होमवर्क मिल गया है. भैया होमवर्क क्या है मेरी जान, ये तीन केस मैंने कराए, ये तीन केस होमवर्क में दे रहा हूं. तुम सोचोगे ये कब से हो गया, यूट्यूब टीचर भी होमवर्क देने लगे हैं. अबे टीचर है ना तुम, सीख रहे हो हमसे तो जितना कह रहे हो उतना करो, ठीक है. ये एकदम सिमिलर केसेस हैं, बस में डिक्रीज वाला केस लग रहा होगा. ये करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना, और जितने लोग टैग करेंगे मैं वहां पे उनको जवाब दूंगा कि तुमने सही बनाया है या नहीं बनाया है. अब इसका एक सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें बचे हुए आठ केसेस हम सॉल्व कर रहे होंगे, साथ में फिर प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लो, मतलब दो वीडियोज आएंगे मोस्ट प्रोबेबली. और उन दो वीडियोस में हम पूरा मार्केट मैकेनिज्म खत्म करने वाले हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के अंदर अंदर मार्केट मैकेनिज्म भी आपका हो जाएगा, छह चैप्टर खत्म हो जाएंगे. माइक्रो में टोटल हैं 11,
ठीक है, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग. तुम्हें बस इतना सा काम करना है, तुम्हें ये वीडियो अपने क्लासमेट्स तक पहुंचाने हैं. बाय बाय.